हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? देखिए, मैं आपको ये आज बहुत ही प्यारा सा ये टेबल मैट बनाना सिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, डिजाइन को समझने के लिए प्लीज आप वीडियो को एंड तक देखिए। मैं बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप मैंने इसको कैसे बनाया है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने इसको चुन्नियों से बनाया है। ये मेरे पास चुन्नी थी, ये आप देख सकते हो। ये चुन्नी की मैंने इतनी चौड़ी चौड़ी मैंने इसमें पट्टियां बनाई हैं और 8 नंबर की मैंने इसमें नीडल यूज की हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने ये हाफ बनाया है। अगर आप डोरमेट बना के इसको यहाँ पे ऐसे ही इसको बंद कर दीजिए तो ये आपका हाफ बन जाएगा। ये भी बड़ी प्यारी लुक देगा। और अगर आपको पूजा का आसन वगैरह बनाना है तो आप इसको बड़ा पूरा कंप्लीट करके बड़ा बना सकते हो। इसमें मेरी 2 कली यहाँ पे और बनेंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं बताती हूँ मैंने इसको कैसे बनाया है। इसमें आपने बिल्कुल ऐसे सिंपल फंदे डालने हैं। यहाँ पे आप एक इसकी नोट लगा लीजिए, ये देखिए। और जितने भी आपने अपने प्रोजेक्ट में फंदे डालने हैं ऐसे आप इसमें फंदे डालिएगा। ऐसे जितने भी आपको फंदे डाले, बिल्कुल इजी तरीके से मैं आपको फंदे डालने बताए मैंने, ये देखिए। ऐसे आप इसमें फंदे डाल लीजिए। और फ्रेंड्स, फंदे डालने के बाद एक मैंने इसमें सिंपल बेसिक रो बना के कंप्लीट की। 17 फंदे मैंने इसमें डाले हैं। आप भी अगर आपको बड़ा बनाना है तो जोड़े के हिसाब से फंदे डालिए। और एक फंदा, ये जो हमारी ये बाउंड्री चलेगी, एक फंदा इसके लिए आप एक्स्ट्रा डाल लेना। तो मैंने इसमें 17 फंदे डाले हैं। 17 फंदे डालने के बाद देखिए, एक फंदा हम ये हमारी रॉन्ग साइड है ऐसे ही उतारेंगे। और यहां से मैं अपना इसमें सेकंड कलर लगाऊंगी। सेकंड कलर मेरा इसमें पिंक है तो मैं इसमें पिंक लगा लूंगी। ये देखिए, इसको भी आप इसी के अंदर ऐसे ले लीजिए। यहां से हम अपने डिजाइन की स्टार्टिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप जब तक बनाना, 2 फंदे हमने इस साइड ब्लैक के छोड़ने हैं और 5 फंदों में हमने तीसरा कलर अपना लगाना है। एक, दो, तीन, चार और ये 5। ये 2 फंदे हम ऐसे ही बिना बने छोड़ देंगे और हम यहीं से वापस मुड़ जाएंगे। ये हमारे डिजाइन की यहां से स्टार्टिंग हो गई। और देखिए, इस फंदे इसको हम उधर कर देंगे और पीछे से ये ले आएंगे ऐसे क्रॉस करके, ताकि हमारा बीच में गैप ना बने। और ये सारे फंदे हम पिंक से बना के कंप्लीट करेंगे। राइट साइड से जो आपको जैसा दिखाई देगा आपको वैसे ही बनाना है। अब देखिए, हम इसको पीछे कर देंगे और ये हमारा ब्लैक पीछे ही है। इसको भी हम ऐसे पीछे से क्रॉस कर लेंगे और इसको हम ऐसे सीधा बना देंगे। ये देखिए, इसको हम ऐसे ही उतारेंगे। और ये आप देखिए, इसको आप ऐसे रखिए और इस वाले को इसके ऊपर से लेके आइए। ये देखिए, मैं आपको ज्वाइंट लगाना बता दूं, अगर आप चुन्नी से बनाओगे तो आप पट्टी को ऐसे रख के आप इसमें ऐसे ज्वाइंट लगा लीजिए। अब यहाँ पे फ्रेंड हमने एक फंदा बढ़ाना है, ये देखिए। एक फंदा हमने पिंक का बढ़ा लिया
और ये पिंक वाले अब हम ग्रीन से बना देंगे। यहाँ पे हमारी पत्ती की स्टार्टिंग हो जाएगी, ये देखिए। और दो फंदे हम इसमें से पीछे ग्रीन के छोड़ देंगे। ये हमने ग्रीन लीफ के पांच पांच फंदे ही रखने हैं। इसको पीछे करेंगे और पीछे से ऐसे क्रॉस कर लेंगे, आगे लेके आएंगे ताकि हमारा बीच में गैप ना बने। इसको पीछे करके ये देखिए ब्लैक वाला ऐसे लेके आएंगे और इसको हम इसको हमेशा हर बार सीधा बनाएंगे। ये हमारे डिजाइन की एक ऐसे छोटी सी बनती जाएगी, बाउंड्री की अच्छी लगेगी। इसको ऐसे ही उतारना है। और देखिए फ्रेंड्स, इसको फंदे बढ़ाने के कई तरीके होते हैं। एक फंदे में से दो भी बना सकते हो, लेकिन मैं और भी आसान आपको तरीका बताऊंगी। ये देखिए, जैसे हमने फंदे डाले थे ऐसे ही आप इसमें एक फंदा ऐसे बढ़ा लीजिए, तो हमारे दो फंदे बढ़ गए। ये देखिए, दो अब हम फिर से ग्रीन के बनाएंगे। और ये पांच फंदे फिर बनाएंगे और दो हम पीछे छोड़ देंगे। ये देखिए, और हम यहीं से वापस मुड़ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आठ फंदे बढ़ाऊंगी, दो मैंने बढ़ा लिए, छह और बढ़ाऊंगी और ये मैं इसको लीफ को आगे तक लेके आऊंगी। ये हमने 16 फंदे ऐसे ही छोड़ने हैं, चार हमने छोड़ दिए, दो दो करके हमने यहाँ पे 16 फंदे, आठ बार हमने फंदे ये छोड़ने हैं, दो बार छोड़ लिए, छह बार और हम छोड़ेंगे। यहाँ पे हमारे फंदे बढ़ते जाएंगे और हमारी लीफ ऊपर बढ़ती जाएगी। तो आप इसको ऐसे कंप्लीट कर लीजिए, मैं यहाँ तक इसको बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ तक मेरी लीफ बनेगी ये वाली, मैं इसको यहाँ तक कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं बताऊंगी ऊपर हमें ये फ्लावर कैसे बनाना है और आगे की ये लीफ कैसे बनानी है। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए, एक एक करके मैंने ये आठ बार फंदे ये छोड़ दिए हैं और आठ ही फंदे मेरे इस तरफ बढ़ गए हैं। ये देख सकते हो आप, हाफ कली मेरी बन के कम्प्लीट हो गई। अब हमें क्या करना है, ये फ्रेंड्स, ये जो हमारा ऊपर ये ब्लैक कलर का फ्लावर है, अब हमें ये बनाना है। तो ये हम कैसे बनाएंगे, देखिए, ब्लैक वाले से हम ऐसे लपेटेंगे निडल पे। ये देखिए, ऐसे लपेटने से हमारा एक फंदा यहाँ पे बढ़ जाएगा और एक हम ये वाला ले लेंगे। एक फंदा हमारा ये पड़ गया, यहीं से हम वापस मुड़ जाएंगे। आपको फ्रेंड यहाँ पे ऊपर जितना बड़ा फ्लावर बनाना है, आप उतने ही फंदे एक बार बढ़ा के और फिर आप वापस घटा दीजिए। ये देखिए, मैंने दूसरी बार लपेटा, एक फंदा मैंने और बढ़ा लिया। ये देखिए, और हम यहीं से वापस मुड़ जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे दो फंदे ही बढ़ाऊंगी। अब मैं इसको वापस अपने उतने ही फंदे बना लूंगी। ये दो का एक किया, इसको भी हम साथ में बना लेंगे। देखिए, मेरी ब्लैक पट्टी छोटी हो गई, तो मैं इसमें ऐसे जॉइंट लगा लूंगी। अब देखिए, एक बार हम फिर से अपना दो का एक करेंगे।
देखिए, थोड़ा सा आप पकड़ के रखिएगा, और ये वाला भी हम इसके साथ ही बना देंगे। एक बार हम इसको जितने हमारे फंदे थे उतने ही हमने फंदे अपने वापस कर लिए, ये देखिए। और ये हमारा यहाँ पे प्यारा सा फ्लावर भी बन गया। अब हमें क्या करना है, देखिए, अब हमने यहाँ तक फंदे बढ़ाए थे, अब हाफ कली हमारी बन गई। अब हम ये सारे ही फंदे वापस घटाएंगे, तो एक फंदा तो आप बाउंड्री का रखिएगा, और इससे आप दो का एक करना पिंक वाले से। ये देखिए, दो का एक कर दिया, और दो फंदे और हम इसमें से पिंक ले लेंगे, और ये बाकी के फंदे हम बनाएंगे। ये देखिए, तीन फंदे हमने बनाए और दो हम वो छोटे हुए ऐड कर लेंगे। और हम यहीं से वापस मुड़ जाएंगे। एक फंदा हमारा घट गया, एक हमने इसमें से ऐड कर लिया। तो फ्रेंड्स, हमने आठ के आठ फंदे अपने ऐसे ही घटाने हैं। आठ बार हमने दो दो करके फंदे छोटे थे, और आठ बार ही हमने उनको लेना है दो दो करके। तो इधर हमारे फंदे घट जाएंगे और उधर हमारी कली कंप्लीट हो जाएगी। इसको क्रॉस करके आगे लेके आएंगे। अब हमारे पिंक फंदे बढ़ने लग जाएंगे। मेरे पास पिंक कलर है, आपने जो भी लगाया हो, और ग्रीन वाले हमारे कम हो जाएंगे। और ये बाउंड्री वाला फंदा हमारा एक सिंगल, ये ऐसे ही चलेगा। इसको आप पीछे से क्रॉस लेके करके, और आप इसको ऐसे बना दीजिए। थोड़ा सा आप ऊपर और बना के जाओगे तो ये अलग से दिखाई देगा। अब देखिए ध्यान से, ये रो मैं और उतार के दिखाऊंगी। पिंक वाले से हम फिर से दो का एक करेंगे, दो फंदे हमने घटा लिए, और दो हम इसमें से ऐड कर लेंगे, और बाकी के हम ये। फ्रेंड्स, आपने पांच फंदे ही रखने हैं वापस जब हम आप बनाओगे, पांच या सात, जितनी भी आपने बड़ी लीफ बनाई है उतने ही फंदे, जितने आप ऊपर लेके आए थे आप उसी हिसाब से आप इनको नीचे लेके जाइए। ये देखिए, ये हमारी यहाँ से फ्लावर बन गया, और ये फंदे हमारे बढ़ते जाएंगे और ये हमारे घटते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ तक बना लीजिए, बिल्कुल एंड तक हम आ जाएंगे, फिर मैं ऊपर बताऊंगी हमें क्या करना है। देखिए, इस कली को मैंने कंप्लीट कर लिया है। इस साइड हमारे पिंक के बढ़ गए हैं, एक एक फंदा हमने यहाँ पे घटा लिया था, और अंदर की तरफ हम बढ़ते हुए ये लीफ हमने कंप्लीट कर ली है। अब ये देखिए, दो फंदे ये तीन बना लिए, ये इसका एंड है, मैं आपको दिखा दूं, ये हम और बनाएंगे। ये इनको अब हमें अभी इनको अब नहीं छेड़ेंगे हम, ये इनको ऐसे ही छोड़ेंगे। देखिए, पीछे करेंगे, पीछे से ऐसे क्रॉस करके आगे लेके आना। ये देख सकते हो आप, मेरा कहीं पे भी बीच में गैप नहीं है। ऐसे क्रॉस करके आप इसको पीछे से आगे लेके आना। और जितने फ्रेंड्स हमने फंदे डाले थे, मेरे पास 17 फंदे थे, तो वापस मैंने अपने 17 फंदे कर लिए हैं। जितने बढ़ाए थे, 8 बढ़ाए थे मैंने, 8 ही कम कर लिए। अगर आपको ज्यादा बढ़ाने हैं तो आप उतने ही फंदे कम करिएगा जितने आप बढ़ाओगे। इसको पीछे करेंगे, और पीछे से ऐसे फिर से हम ऐसे ब्लैक को क्रॉस करके लेके आएंगे इसके ऊपर से, और फिर हम इसको बना देंगे। ये देखिए, इसके बीच में भी कहीं पे भी हमारा गैप नहीं है। ये ऐसी सिलाई की तरह इसकी ये पीछे से दिखाई देगा। ये देखिए, अब हम क्या करेंगे,
ये कली हमारी बनके कंप्लीट हो गई, इसके ऊपर फ्लावर भी बनके हमारा ये कंप्लीट हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, ब्लैक कलर से हम सारे ही फंदे बना लेंगे। मैंने पहले बताया था जिस कलर से आप फंदे डालोगे वही कलर हमारी बाउंड्री में चलेगा, और जब कली कंप्लीट हो जाएगी हमारी तो हम एक उल्टी साइड से और एक सीधी साइड से दो रो उतार के कंप्लीट करेंगे, क्योंकि दो फंदे हमने इसी कलर से छोड़े हुए हैं तो हम इनको भी बनाएंगे। ये जो स्टार्टिंग में हमने दो छोड़ दिए थे इनको अब हम बना लेंगे। ये देखिए, तो आपको फ्रेंड्स जितना भी ये बड़ा बनाना है आप इसको बना सकते हो। लीफ मैंने 5 फंदे की बनाई है, आप इसको 7 फंदे की, 9 फंदे की, 11 फंदे की, अगर आपको बड़ा बनाना है तो आप उसी हिसाब से फंदे ले लीजिए। बनाने का तरीका सेम ऐसे ही रहेगा, खाली आपके फंदे बढ़ जाएंगे। देखिए, लास्ट वाले को हम ऐसे ही सीधा बनाएंगे जैसे हम पहले बनाते आए हैं ऐसे ही। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम अगली कली की स्टार्टिंग कैसे करेंगे, एक हम बाउंड्री का रखेंगे और यहीं से हम अपना इसमें जो हमारा एक कलर था पिंक, इसको मैं यहीं से लगा लूंगी। ये देखिए, फर्स्ट रो में हम अपने फंदे अलग अलग कलर में डिवाइड कर देंगे, जितने भी आपके पास फंदे हो, जितनी बड़ी आपको लीफ बनानी हो उतने ही फंदे आप इसमें रखिएगा। ये दो हम इसके छोड़ेंगे और देखिए फ्रेंड्स, ये 5 पे हम अपनी दोबारा से लीफ बनानी शुरू करेंगे। तो ऐसे हम धागा क्रॉस कराएंगे, 1, 2, 3, 4 और 5, और हम यहीं से वापस से मुड़ जाएंगे। ये हमारी सेकंड कली की हमने स्टार्टिंग कर ली है। जैसे हमने नीचे बनाया है ऐसे ही आप इसको कंटिन्यू बनाते जाइए। राइट साइड से जो फंदे जैसे आपको दिखाई दें वैसे ही बनाने हैं। इसको पीछे करेंगे, पीछे से ब्लैक इसके ऊपर से ऐसे बना देंगे हम। अब फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, यहां पे एक फंदा बढ़ा लेंगे, ऐसे भी बढ़ा सकते हो फ्रेंड्स। मैं एक तरीका और बता दूं, एक फंदे में से एक बार हमने बनाया, एक बार और बना दिया, ये हमारे फंदा हमारा यहाँ पे बढ़ गया। एक फंदा हमने इधर बढ़ा लिया, अब हमारी कली की स्टार्टिंग हम करेंगे। ये देखिए, दो फंदे से हम स्टार्टिंग करेंगे, ऊपर की तरफ हमें बढ़ना है, 2, 3, 4 और 5, और दो फंदे हम इस बार छोड़ देंगे। ये 5-5 फंदे ही हमने चलाने हैं जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था। तो देखिए, तो फ्रेंड्स आप ऐसे कंटिन्यू बनाओगे तो देखिए ये सुंदर सा आपका ये टेबल मैट बनके कंप्लीट होगा। देखिए, आप कलर अपनी चॉइस से लगाना, मैंने तीनों ही कलर इसमें ब्राइट लगाए हैं। आपके पास जो भी हो, साड़ी हो, मैक्रम हो या चुन्नी हो, हमारे पास फ्रेंड्स वेस्ट चुन्नी बहुत पड़ी रहती हैं जिनका कोई यूज नहीं होता, तो आप उनको यूज करके ये सुंदर सा ये टेबल मैट आप बना सकते हो। तो फ्रेंड्स आपको मेरा डिजाइन कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और फ्रेंड्स आप एक बार इसको ट्राई जरूर करना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो फ्रेंड्स इसको लाइक शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए ताकि मेरे नए नए वीडियो के डिजाइन आपको सबसे पहले देखने को मिल सकें।
तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में नए डिजाइन के साथ। थैंक यू।